मुझे एक कबूतर मिला है, देख रहे हो आप। तो यार इस कबूतर के जो पंख है ना, इस पर चोट लग रही साइज से, ठीक है भाई। और यार इसे तो मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं पानी ढूंढ रहा हूँ इसके लिए। यार काफ़ी बुरी हालत में है भाई यार। तो हेलो रोन, सब कैसे हो? तो आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो भाई मैं आज आया हूँ हुमायूं के टॉम्ब भाई, तो दिल्ली का काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है भाई ये। और आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। लगभग मैं सुबह निकल गया था 10 बजे, मेरे घर से लगभग मुझे 1 घंटा लगा आने में। और जो यहाँ की टिकट है भाई, वो लगभग 35 रुपये की टिकट है, ठीक है। आप 35 रुपये में यहाँ से पूरा घूम सकते हो। और ऑनलाइन टिकट हो रही है भाई आजकल, ठीक है। आजकल ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन चल रही है टिकट। और मैंने भी ऑनलाइन बुक की थी टिकट। तो देख रहे हो आप मेरे पीछे एक छोटा सा, तो देख रहे हो भाई। तो भाई कहते हैं कि ताजमहल से ही पुराना। तो भाई मेरे तो हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि अंदर कोई भी नहीं आ रहा है। और मैं ब्लॉग बनाने के लिए आ गया अंदर भाई। शायद से पता नहीं परमिशन है अंदर आने की कि नहीं है भाई, इतना मुझे पता नहीं है। मगर मैं आ गया हूँ अंदर। और देख सकते हो भाई ये मकबरे हैं, ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक वो है, एक वो है, एक वो है, ओके। सबसे बड़ी दो है वो वहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर छोटी छोटी लगी हुई है। तो भाई बाहर चलते हैं भाई, अपनी बस की बात अंदर रहना नहीं है। तो बहुत भयंकर स्ट्रक्चर है भाई ये, देख रहे हो आप कैसे काम किया गया था उस टाइम पे। तो भाई यहाँ का व्यू इतना भयंकर है ना, अब मैं तो यही चाहूँगा कि आप इस जगह पर जरूर आना, काफ़ी अच्छा व्यू है। तो भाई यहाँ रियल में देखो, मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है भाई। मैं यहाँ पर लगभग 3री बार आया हूँ। लगभग मैं आया था कोविड से पहले, आया था जब मैं यहाँ से कॉलेज कर रहा था, उस टाइम पे मेरा असाइनमेंट था, इसलिए मैं इस जगह पे आया था, ठीक है। और भाई देखने के लिए अच्छी लोकेशन है, घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छी लोकेशन है। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप जान सकते हो यहाँ पर आके, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो भाई यहाँ से हम आ गए हैं, ठीक है। अब हम जा रहे हैं दूसरी जगह, ठीक है भाई। तो चलते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है भाई, ठीक है। घूमने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देख रहे हो काफ़ी लोग आ रहे हैं। भाई काफ़ी बड़ी एरिया है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए भाई, समझने के लिए। मुझे एक एक जगह पढ़ के जाना पड़ेगा भाई, मगर इतना टाइम नहीं है। शाम को मुझे जॉब पे भी जाना है, पता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप आना। तो देख रहे हो भाई ये है हुमायूं टॉम्ब, ठीक है भाई। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और इसका एरिया देख लोगे कुछ ऐसा है भाई, एक गेट वहाँ पर है, वो हमने पार कर दिया, ठीक है।
तो चलते हैं भाई इसके अंदर और दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो भाई अंदर दिखाने से पहले आपको बाहर की चीज़ें दिखाते हैं। तो देख रहे हो भाई कितना प्यारा व्यू है भाई, ठीक है। तो हुमाऊँ टॉम कुछ ऐसा दिखता है भाई, पीछे का एरिया आ गया है। देखा होगा हमने काफ़ी फ़ोटो शूट में, काफ़ी ये चीज़ें वीडियो में देखा होगा आपने। लोग लोकेशन यही चुनते हैं और यहाँ से फ़ोटो लेते हैं भाई। अभी धूप नहीं है, मौसम काफ़ी ख़राब है, इसलिए काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, और कैमरा भी मेरा इतना अच्छा नहीं है भाई, ठीक है। तो बैक साइड चलते हैं इसके, पूरे बैक साइड, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे भाई और इसके अंदर दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ का राजा था उसकी भी समाधि यहीं पर दफन है भाई, इस जगह पे, वो भी दिखाएंगे आपको। तो भाई अब चलते हैं ऊपर। बैक साइड इतना ख़ास नहीं है, बस लोकेशन अच्छी है। तो महल के अंदर चलते हैं सीधा, ठीक है। अभी तक मैंने जो दिखाया था उसकी पूरी फैमिली की समाधि थी वो। तो ऊपर चलते हैं। वही ऊपर का व्यू कुछ ऐसा है, देख रहा हूँ। तो भाई ये है हुमायूं कब्र, ठीक है भाई, जो ये देख रहे हो, जो यहाँ का राजा था उनकी कब्र है हुमायूं, ठीक है। तो उनकी बीवी की जो कब्र है भाई वो है यहाँ अंदर भाई। तो अंदर का व्यू कुछ ऐसा है भाई, देख रहे हो उनकी कब्र, यहाँ दो कब्र है, समझ नहीं आ रहा कौन सी कब्र है। भाई एक कब्र ये है, एक कब्र ये है, और उनकी बीवी की कब्र शायद से यही हो सकती है मेरे हिसाब से। ये कब्र किसकी है फिर है? और ऊपर की बात करो तो भाई कुछ ऐसा व्यू है ऊपर का। मुझे इतना पता है कि हुमायूं की कब्र, हुमायूं की जो कब्र है वो ये है, उसकी बीवी कब्र नहीं है यार। उसकी बीवी की कब्र कहाँ पर है यार? अब यहाँ भाई, यहाँ भी तीन कब्र है यार, देख रहे हो, एक दो तीन कब्र है। ये भी मुझे नहीं पता किसकी, शायद से उनकी बच्चों की है शायद से, क्योंकि राजाओं के दो दो तीन तीन चार चार बीवियाँ रहती हैं ना, तो उनके बच्चे हो सकते भाई शायद से। उनकी उसकी बीवी की कब्र कहाँ पर है यार? बीवी तो ये भाई इतना भयंकर है ना भाई, आपको मतलब भूल भुलैया टाइप का है भाई अंदर, बहुत भयंकर। उसकी बीवी की कब्र पता नहीं कहाँ पर है यार भाई, बाहर निकल गए। हाँ अरे यार बाहर आ गए, कहाँ है उसकी बीवी की कब्र? पर भी दो ही है यार भाई, बीच में है हुमायूं की कब्र, और आप समझ ही नहीं आ रहा इस, ये बीच में हुमायूं है, ठीक है, उनकी कब्र है, यहाँ पर भी कब्र है इस घर के, इस रूम के अंदर, इस रूम के अंदर एक कब्र है, इस रूम के अंदर एक कब्र है, ये गेट है, मेन गेट, चारों दिशाओं में कब्र है भाई। मगर इतना नहीं पता कि उनकी जो बीवी थी उनकी कब्र कहाँ पर है भाई, इतना पता नहीं चल रहा बस खाली।
भास। इनकी बीवी कबर कहाँ पर है? इनकी बीवी बीवी की कबर यहाँ पर भी तीन कबर हैं। ओ यार आजा तो भाई मुझे एक कबूतर मिला है, देख रहे हो आप। तो यार इस कबूतर के जो पंख है ना, इस पर चोट लग रही साइज से, ठीक है भाई। और यार इसे तो मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ, तो मैं पानी ढूंढ रहा हूँ इसके लिए। यार काफ़ी बुरी हालत में है भाई यार, नहीं तो इसे कोई बिल्ली या कुत्ता मार देगा अगर ऐसे ही रहेगा ये। तो मैं इसलिए पानी ढूँढ रहा हूँ, कहीं पानी पुनी मिल जाए। मैंने आके गार्ड वालों को ही बताया था कि यार ये तो उड़ नहीं पा रहा है, ये तो मर जाएगा ऐसे में। तो उसकी काफ़ी बुरी कंडीशन है। तो नीचे से देख सकते हो, नीचे का व्यू कुछ ऐसा है। गेट सबसे बड़ा गेट हुआ है वो बंद है अभी भाई, ठीक है। वहाँ से पहले वहीं से एंट्री होती थी, वहाँ से एंट्री बंद हो गई है, अब इधर से हो रही है एंट्री। लगभग चारों दिशा में से गेट है, बड़े बड़े से गेट भाई। तो भाई देख रहे हो ये मकबरा है जो, ये दूसरा मकबरा है। ये मकबरा भाई नाई का मकबरा है भाई। तो ये नाई जो राजाओं के नाई थे उनके मकबरे हैं, ठीक है भाई। भाई मेरी गाँव मेरी फट गया बहुत भयंकर भाई। तो ये दो मकबरे हैं भाई यहाँ पर। तो अंदर का कुछ व्यू ऐसा है, कुछ ऐसा व्यू है यहाँ का इस मकबरे का। हुमायूं टॉम का वो है मकबरा उस साइड, और उसके जस्ट बगल पे है नाई मकबरा। हुमायूं मकबरा काफ़ी बड़ा है यार, देख रहे हो आप भाई, इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है। और यहाँ पर भाई चलते हैं यहाँ से यार, क्योंकि यहाँ पर भाई प्रेमी लोग भी बैठे हुए हैं यार। मैं नहीं चाहता उनको डिस्टर्ब करूँ मैं। हाँ तो भाई अब जा रहे हैं हम घर की तरफ, हम घूम चुके हैं ढंग से भाई, ठीक है। और काफ़ी लोग से लोग आ रहे हैं भाई, ठीक है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई इस साइड। तो भाई मैं पहुंच गया हूं घर पे, अपने रूम पर पहुंच गया हूं, और काफ़ी मज़ा आया आज। और लगभग इस समय बज रहे हैं 6। तो भाई मैं आपको बता दूं, वहां 35 रुपये का टिकट है, आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो। आजकल ऑफलाइन नहीं चल रहा है, क्योंकि कोविड दोबारा स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में, यह है। तो ऑनलाइन टिकट कर सकते हो आप वहाँ से। घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है भाई, ठीक है। आप फैमिली के साथ या कपल्स बन के भी जा सकते हो इस जगह पर। अगर भाई अगर लोकेशन की बात करो, तो भाई मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में सब कुछ दे रखा है, आप वहाँ चेक करके लोकेशन सब चीज़ दे रखी है मैंने, आप वहाँ पर देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। ओके भाई, टेक केयर।